नमस्ते। हिंदी की क्लास में आरवी स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया व्यंजन सीखने वाले हैं और वो नए व्यंजन का नाम है व्यंजन अड़। क्या नाम है नए व्यंजन का? व्यंजन अड़। ये नया व्यंजन दिखने में व्यंजन ड, जो कि डमरू का ड है, वैसा ही दिखता है, परंतु इसमें एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है जो कि वो व्यंजन के नीचे लगाया गया है। इसे हम व्यंजन अड़ बोलते हैं। आपको ये बोलना है और दोहराना है, व्यंजन अड़। ये व्यंजन पहला है, वो है डमरू का ड। अगर डमरू के ड के बाजू में एक छोटा सा बिंदु रखा जाए तो वो बन जाता है व्यंजन अंग, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। अंग 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 से खाली, बच्चों बजाओ ताली। अगर वही बिंदु बाजू से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो व्यंजन हो जाता है व्यंजन अड़, जो आज हम सीखने वाले हैं व्यंजन अड़। चिड़िया, ये जो व्यंजन है उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये व्यंजन शब्दों के बीच में नहीं तो शब्दों के अंत में उपयोग है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यंजन अड़ का उपयोग ये शब्द के बीच में किया गया है। चिड़िया, उसके बाद में है गुड़िया। गुड़िया मतलब डॉल। ये शब्द में भी व्यंजन अड़ का उपयोग किया गया है और वो शब्दों के बीच में है। आपको एक बार बोलना है और समझना है कि कहाँ यूज किया है व्यंजन अड़ का। गुड़िया, बीच में, सही बताया। और ये कौन सा शब्द है? घड़ी, जो घड़ी है उसके अंदर व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। घड़ी, व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में है। कीड़ा, इंसेक्ट, जब भी एक इंसेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कीड़ा। कीड़ा शब्द में व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। आपको जो शब्द लिखा है उसे गौर से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ है व्यंजन अड़। उसके बाद में है कूड़ा, जो डस्टबिन में कचरा डालते हैं उसे हिंदी में कूड़ा बोलते हैं। उसमें भी व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। पेड़, पेड़ जो होता है उसमें भी व्यंजन अड़ का उपयोग किया है। देखो देखो, वो वर्ड लिखा हुआ है, वो शब्द आपको दिखेगा स्क्रीन पे और आपको व्यंजन अड़ भी दिखेगा। पेड़, पेड़ में व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। और जो ट्री होता है उसके जो रूट्स होते हैं, मतलब जो पेड़ होता है उसके रूट्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जड़। जड़ में भी व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। आपको वो बोलना है और समझना है कि व्यंजन अड़ कहाँ उपयोग में किया लिया गया है। अभी यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उसे क्या बोलते हैं? कीड़े। जब एक इंसेक्ट था तो हमने बोला कीड़ा, पर यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं तो हम बोलेंगे कीड़े। कीड़े शब्द में भी व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। ये लड़की है, वो लड़की ने एक साड़ी पहन के रखी है, तो जो शब्द है साड़ी उसके अंदर व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है, साड़ी। और ये क्या है? सड़क। सड़क मतलब रास्ता। जो वर्ड सड़क है उसके अंदर आप गौर से देखोगे तो आपको व्यंजन अड़ बीच में दिखेगा। आपको एक बार दोहराना है और समझना है व्यंजन अड़ को बोलते कैसे हैं। सड़क, व्यंजन अड़ बीच में आता है, सड़क। उसके बाद में है एक हाथ जिसने एक पोटली पकड़ के रखी है जिसके अंदर बहुत
बहुत सारे कॉइन्स हैं, इसे क्या बोलते हैं? पकड़। पकड़ मतलब जोर से पकड़ना, पकड़। पकड़ शब्द में भी व्यंजन अड़ का उपयोग अंत में किया गया है। एक बार हम और दोहराएंगे, पकड़। Now, it's writing time. जैसे कि आपको मालूम है, हम व्यंजन अड़ की राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी की माई स्किल बुक में करेंगे। ऑन पेज नंबर 109, वी विल प्रैक्टिस राइटिंग व्यंजन अड़। इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर फर्स्ट वी विल राइट टूडेज डेट एंड देन वी विल प्रैक्टिस राइटिंग व्यंजन अड़। व्यंजन अड़ लिखने के लिए पहले हमको ड से डमरू वो लिखना है। आपको व्यंजन ड लिखना तो आता ही है। पहले आप एक छोटा सी बनाओगे, फिर उसको टर्न हो करके कर्व बनाते हुए ऊपर जाके ये दूसरी लाइन को टच करना है। ये हो गया आपका व्यंजन ड। हम पहले व्यंजन ड बनाएंगे और उसके बाद में एक छोटा सा बिंदु हम नीचे बनाएंगे, तीसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे, और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपका व्यंजन अड़। और एक बार लिखेंगे, एक छोटा स्टैंडिंग लाइन स्मॉल सी, कर्व बनाते हुए ऊपर जाना है, दूसरी लाइन को टच करना है, और छोटा सा डॉट नीचे, और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, व्यंजन अड़। एक बार ये दोनों लाइन में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको अपने आप लिखना है। कैसे लिखोगे? आपको व्यंजन जो ड लिखना आता है वो ही पहले लिखना है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में व्यंजन ड, डमरू का ड, और छोटा सा बिंदु नीचे जो तीसरी लाइन के नीचे है, उसको टच नहीं कर रहा है, और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपका व्यंजन अड। वापस एक बार लिखेंगे, पहले क्या लिखोगे आप? व्यंजन ड से डमरू, फिर छोटा सा डॉट, और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, व्यंजन अड। आपको ये पूरे पेज में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और उसके शब्द भी बोलने हैं। एक बार व्यंजन अड की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में हमने जो व्यंजन ज्ञ और व्यंजन श्र दोनों सीखे हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हम हिंदी की ग्रीन कलर की नोटबुक में करेंगे। लेफ्ट साइड कॉर्नर में पहले आज का डेट लिखेंगे, फिर टू टाइम्स ज्ञ की लाइन और टू टाइम्स व्यंजन श्र की लाइन लिखेंगे। और जब भी हम व्यंजन ज्ञ और व्यंजन श्र लिखते हैं तो उससे शुरू होने वाले शब्द भी बोलेंगे। मुझे आशा है बच्चों, आपको व्यंजन अड़ और व्यंजन अड़ जो भी शब्दों में उपयोग में लिया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही साथ में उसे लिखते कैसे हैं वो भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।